एक बड़ी अचम्मे की बात है, जब औलाद दूर चली जाती है तो औलाद को कोई दुख नहीं होता और माँ बाप रो रो के मर रहे हैं। भगवान कोई ऐसा कोई ऐसी सिम बनावे, ऐसा कार्ड बनावे कि ये जो माँ बाप को प्रेम है का जो औलाद में आ जाए और औलाद जैसी निष्ठुरता माँ बाप में आ जाए, तब संतुलन बन जाएगा। लेकिन माँ बाप की करुणा को तो एक बार भगवान का मन हुआ था कि मैं संसार में रह करके मैं सबको प्यार करना चाहता हूँ, पाओगे हैं? इस धरती पर माँ सबको प्यार करती है। इस औलाद को बड़े करना, पढ़ाना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना कर्तव्य तो है, लेकिन इनमें दिल लगाना, इनमें मन फंसा देना, यह सबसे बड़ा खतरनाक काम है। क्योंकि उस समय तुम्हारे दिल बहुत बुरी तरह टूटेगा जब ये तुमसे बात करना बंद कर देंगे और नेक नेक बात पर उठेंगे, और तुम्हारे लाख सेवा करने पर भी इनके मुंह से जब शब्द निकलेगा तुमने हमारे लिए करे कहो। ये आए थे ना कल, यहीं थे कल सुबह में, मंदिर के पास में एक घर है कोई भक्त का, वहाँ थे। तो मैं मिलने गया और आश्रम पे भी एक दिन शाम को मिलने गया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, मैंने कहा कौन सा? बोले कृतघ्नता का। कृतघ्नता, मैंने कहा गुरुजी ये क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि किसी का छोटा सा भी एहसान हो उसको मानना चाहिए और उसको न मानना ये कृतघ्नता है। तो इस धरती पर माँ बाप का एहसान सबके ऊपर है और उसे जो नहीं मानता वो कृतघ्नता का अपराधी है। गुरु और माँ बाप, इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति में काउ ने हमें एक रुपया दयो हो तो जब तक हम बाय सवा रुपया नहीं लौटा देंगे तब तक हम उसके ऋण से उऋण नहीं होंगे, और उऋण नहीं होंगे तो हम कृतघ्न माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर कि कृतघ्नता का जो दोष है ना, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि इस कृतघ्नता को हमने यदि बदले में एहसान को पूरा कर दिया, जितनी सेवा हमारी करी कई वाते सवा गुनी, सेवा यदि हमने कर दी काउ हालत में तो हम बा ऋण से उऋण हो जाएंगे, और नहीं तो हम कृतघ्नता के दोष से हमेशा बंधे रहेंगे हम। और एक और परिभाषा बताई, बोलिए ये देवता लोग हैं ना, देवता, हम देवताओं के कृतज्ञ हैं, यदि उनका एहसान का बदला नहीं चुकाएंगे तो हम कृतघ्नता के दोष से दूषित हो जाएंगे। और बोले गलती ये करते हैं हम देवता को दूर समझते हैं, कहूं अंत, जिसने हमें एक शब्द भी ज्ञान दिया वो देवता है। देवता का मतलब होता है देने वाला, देवता का मतलब ये देने वाला, जिसने एक शब्द ज्ञान दिया वो देने वाला है। जिसने हमें एक एक परसेंट भी जीवन में मदद की वो देवता है हमारे लिए। जो हमें पालन पोषण करके बड़ा कर रहा है वो हमारा सबसे बड़ा देवता है, है? ये गाते हैं ना माही मंदिर माही पूजा, क्यों? क्योंकि माँ ने हमें जो दिया है वो उस धरती पर हमें कोई दे नहीं सकता है, और उसके एहसान को जो भूल जाए या उसे चुकाने में कंजूसी करे, सवायो मत करो भाई,
पौन कर ले, पौन मत करो, आधो कर ले, आधो मत करो, चारियाना भर कर ले। लेकिन हम तो शादी होने के बाद फिर माँ से न्यारे हो जाते हैं और हिस्सा में किसके आते हैं? पत्नी के। भाई हिस्सा बांटो होनो चाहिए तो कछुबा को अधिकार बेटा पे माँ को तो होनो चाहिए, यानी माँ को सूपड़ा साफ कर दो। मतलब जाको कोई हिस्सा ही नहीं रहो हो जे कर लेते आ गई तनख्वाह पे बाको, पेंशन पे बाको, अब आदमी पे भाई को पूरा हक है को हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं पूरा हक। अरे हिस्सा तो होता कम से कम। तो कृतज्ञता के दोष से हम लोग दूषित हो रहे हैं, इसलिए आज हमारी औलादें भी हमसे भी ज्यादा खतरनाक निकल रही हैं, क्योंकि बदलो कहूं ना कहूं तो चुकानो परे वो है? बदलो साई के दरबार में बदले कहूं ना जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से। अच्छा एक बड़ी अचंभे की बात मैं आपको बताऊं, हम अपने लड़का की सेवा करें, अपनी पत्नी के साथ रहें, अपनी औलाद में चार लड़का हैं चार बहू हैं, उन्हें कर करके मर जाएं, लेकिन बेकू दुआ देवो तो दूर रहो, शायद अच्छे बोल जाए तो बहुत जानी हो। दुआ तो दूर की बात है, अच्छे बोल जाए तो बहुत जानी हो। और माँ बाप की सेवा करो तो दुआ फ्री में मिले, सेवा में कोई एहसान तो ना कर रहे हम, लेकिन फिर भी दिल से दुआ देते हैं कि जी बेटा जी बहू सदा फलें फूलें, दूधन नहाएं पूतन फलें, वो फ्री में मिलती है। और ऐसी फ्री की सेवा को भी जन न लूट पाए, बातें ज्यादा बेवकूफ जा धरती पे कौन होगा। और नेकते खुश रह जाते नेकते, ज्यादा ना करनो औलाद तो बहुत बहुत करोगे तो खुश की तो कोई संभावना ही ना, जा तो वो पे लिखवा लो तुम तो खुश है जाए, यदि खुश दिखे गई तो कछूत नहीं रहेगी, फिर कोई नई इच्छा पैदा है जाएगी मोटरसाइकिल की के गाड़ी की, और तुमने फिर नहीं करी तो बस है। लेकिन माँ बाप तो नेक पे खुश है जाते, पर नेक वो कोई नहीं कर पावे, धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए माँ को मंदिर, माँ को देवता, माँ को पूजा कहा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माने जना है, क्या ममता का माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योति है अमृत रस है, क्या अंबर और क्या ये धरती,
युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े दर्जा है, कोई चुका नहीं पाया वो प्यारे अपने माँ बाप का कर्जा है। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के न दूजा माँ बेटे की क्या होती है, किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बद्दुआ मगर भगवान से ताली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती है, बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मगर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माही मंदिर पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ ने पैदा
बाकी किसान है। महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बड़ी के कोई न दूजा। पत्नी ऐसी होती हैं, शादी होके आ जाए ना तो माँ को बेटे से मिलने नहीं देती, और जब पत्नी कलेश करती है ना तो माँ स्वयं बेटे को कष्ट न हो तो ये कहती है, बेटा तू खुश रहे, तू चाहे भाई के संग रहे लेकिन मुझे सुख मिलेगा, तू खुश रहेगा। तू मेरे पास आमत हो तो वो कलेश करते रहते करवाई तो तू मत आ करे, मैं तो खुश हूँ, मैं तो हाथ पाँव चल रहे, मैं तो ठीक हूँ। यानी अपने कलेजे के टुकड़े को और ये कह करके कि तू खुश रहे तो ते कलेश नहीं होए, ताते तू वहीं रह कर, कितना बड़ा दान कौन कर सकता है। माही मंदिर माही पूजा, अपनी माँ की बोली है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बड़ी के कोई न दूजा। पड़ी बीमार खाट में न बाकी सेवा कर रहे हैं। माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ के कोई न दूजा।
होती है, मनोकामना ना हो पूरी तेरी घर की मैया रोटी है। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। ये माँ है ना, माँ पानी की तरह है। पानी जब भरपूर हो तो उसकी कमी का एहसास नहीं होता, लेकिन पानी जब जीवन में कम हो जाता है ना, तब पानी का एहसास होता है कि पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है। लेकिन माँ जब तक होती है ना, तब तक उसका एहसास नहीं होता। जिनके अब माँ नहीं रही इस दुनिया में, उनको एहसास होता है कि माँ की कीमत क्या होती है। कर ले तीरथ कर ले पूजा झूठी है। मनोकामना तेरी ना हो पूरी जो तेरी मैया रूठी है, जो घर की मैया रूठी है। वृंदावन में जाओगे तो राधे श्याम मिलेंगे, अयोध्या में जाओगे तो सीता राम मिलेंगे। तू कहीं भी चला जा प्यारे, तुझे कुछ ना मिलेगा, माँ बाप के चरणों में तुझको चारों धाम मिलेंगे। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। उठाए माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए। होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी मेरी बात होती है तो महाराज हम तो हमारी माँ ने तो तब से ऐसे बुरे बोल बोले तो हम तो बोलवा चाली बंद कर गए, हम तो तब से बोलते ही नहीं हैं। ऐसे नालायक लोग ये बात भूल जाते हैं कि तैने अपनी माते बचपन में कितने बुरे बोल बोले, और तैने तो बाकी बार घोंसे हैं, तैने बाकी लात दई, लेकिन बा ने तो कबू बोले वो बंद है। और आज तेरी गलती पर बा ने डांट दो और तू कह रहे हो बाद ना थे हम तो बोले वो
ऐसे नालायक लोग जो होते हैं उन्हें परमात्मा के यहां भी क्षमा नहीं मिलती। बेटा जब मां से रूठे माता सौ सौ बार मनाए, जब मां बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। कुर्बान है माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। तुझ पे रातों की कुर्बान है, माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये खुदा की अमानत है माँ, ये खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, भूल कर
कर सारे सिकवे किले पास आ वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा तेरी दुश्मन नहीं तेरी सच्ची ही दौलत है माँ का दिल ना दुखा ये खुदा की अमानत है माँ का दिल ना दुखा।